अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ ठीक ठाक खैरियत से। तो आज मैं थोड़ी सी शॉपिंग करके आई हूँ, थोड़ी सी मतलब मैंने बाहर जाना था MCC तक, तो काफ़ी दिनों से नहीं गई। रमज़ान में तो आपको पता है जाने ही नहीं होता है बाहर, तो आज हिम्मत करके तो चली ही गई हूँ। तो मैं बताती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं लेकर आई हूँ, अंदर मोहम्मद ने शोर डालना शुरू कर दिया था, कसम से बहुत तंग करता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये लेकर आई हूँ रियो, बच्चे मेरे खाते हैं बहुत शौक से, बस यही वाले बिस्किट खाते हैं, तो मैं इनका एक ये ले आती हूँ। इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ जी टिक्का मैक्रोनी आज मैं बनाऊँगी। आज बड़ा दिल कर रहा था मुझे टिक्का मैक्रोनी, अरूश बेटा नहीं करो टिक्का मैक्रोनी खाने का। और मैं आपको बताऊँ, ये बेक पार्लर वालों की ना बहुत ज़बरदस्त होती है, लाजवाब होती है। इसके अलावा दो नूडल्स लेकर आई हूँ मैं, ये अरूश के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने नूडल्स खाना फ़िलहाल छोड़ दिया है। इसके अलावा एक ये, बच्चे बहुत शोर डालते हैं, क्या करूँ कसम से। इसके अलावा बेटा चुप हो जाओ, एक मैं ये मेहरान वालों का बम्बई बिरयानी मसाला लेकर आई हूँ, कल बनाऊँगी मैं चावल बिरयानी बनाऊँगी कल, तो ये एक लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैं एक अपने लिए हेयर मास्क लेकर आई हूँ, क्यूने वालों का, तो ये है केराटिन स्मूथ मास्क, तो ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, तो ये वाला मैंने नेट पर चेक किया था, इससे मेरे जो हेयर है ना वो काफ़ी स्ट्रेट हो जाएंगे और स्मूथ भी हो जाएंगे, तो मैं ये लेकर आई हूँ। चेक करते हैं कि क्या कुछ होगा इससे। इसके अलावा और क्या लेकर आई हूँ जी, एक मिनट दिखाती हूँ आपको। एक ये ब्रश लेकर आई हूँ अपने लिए, एक ये हेयर कलर लेकर आई हूँ मैं, हेयर कलर मैं लगाऊंगी, खुद देखूंगी पार्लर से लगवाऊँ या खुद लगा रहा, देखते हैं क्या करना है। इसके अलावा एक मैं ये लेकर आई हूँ, क्या कहते हैं इसको यार, पॉलिश लेकर आई हूँ, ये लकड़ी वगैरह के लिए जो मैं अपनी कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करती हूँ ना, उसके लिए मैं ये पॉलिश लेकर आई हूँ। मेरा वो जो दूसरा फर्नीचर पॉलिश थी वो ख़त्म हो गई थी, मैंने वो लेनी थी बट वो मुझे नहीं मिली, यही वाली मिली है, तो यही मैंने कहा चलो ले जाती हूँ। इसके अलावा मैं ये लेकर आई हूँ एक निविया वालों की बॉडी अंडर आर्म जोन सा है ना स्प्रे होती है, या अंडर आर्म जो भी इसको कहते हैं मुझे नहीं पता इसको, तो मैं पहले यूज़ करती थी, $1 आई थिंक उसका नाम था, या क्या नाम था यार, यूरो नाम था कुछ याद नहीं आ रहा, वो फिर मेरी मम्मी को इतना पसंद आया मैंने उनको दे दिया। आज मैं अपने लिए निविया वालों का लेकर आई हूँ, फोकस नहीं हो रहा है, ये देखें बड़े इसकी इतनी खूबसूरत इसकी स्मेल है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, और बिल्कुल फ्रेश और ना परफ्यूम से बेहतर है बंदा यही लगा ले, इसकी सब खुशबू भी लाइफ मतलब काफ़ी टाइम तक रहती है, 24 आवर्स तक रहती है। इसके अलावा बस जी यही कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की है मैंने, तो यही लेकर आई हूँ, और अभी मैं बनाऊँगी आज जी टिक्का मैक्रोनी, अफ्तारी में टिक्का मैक्रोनी बनाऊँगी। इसके अलावा और क्या बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ टिक्का मैक्रोनी, इसके लिए मैंने काट लिया है जी प्याज, काट लिया है टमाटर वगैरह काट लिए हैं, जस्ट मैं इसमें प्याज और टमाटर ऐड करूँगी क्योंकि जो इसमें मसाला पड़ा हुआ होता है ना टिक्का मसाला, उसके अलग अलग इतने अच्छे अच्छे फ्लेवर्स होते हैं कि मुझे ना कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और हाँ, मैं चिकन मैक्रोनी बना रही हूँ तो इसीलिए मैं कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड नहीं करूँगी, मैं जस्ट प्याज टमाटर और चिकन ही ऐड करूँगी। हाँ, आपकी मर्ज़ी होती है, आप चिकन मैक्रोनी खाना चाहते हैं तो चिकन मैक्रोनी बना लें, मुझे तो जस्ट चिकन मैक्रोनी पसंद है। वेजिटेबल मैक्रोनी मैंने कभी इस तरह खाई ही नहीं है, मतलब मैंने वेजिटेबल मैक्रोनी बनाती हूँ लेकिन उसमें चिकन मस्ट होता है। यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था साथ में, नमक इसमें ऐड करके तो 2 चम्मच ऑयल मैंने ऐड कर दिया था, उससे पता है क्या होता है जो हमारे मैक्रोनी होते हैं ना वो चिपकते नहीं हैं आपस में, तो बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। तो मैंने कहा आज ना अफ्तारी में कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, पकोड़े वगैरह तो रोज़ ही खाते हैं, रोटी भी रोज़ खाते हैं, तो मैंने कहा आज मैक्रोनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी मैक्रोनी ऐड कर दी थी, यहाँ पर मैं चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ, जो मैंने बोनलेस चिकन रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा इसके पीसेस कर लेती हूँ साथ साथ, ये ना फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसको मैंने काफ़ी देर पहले ही बाय रख दिया था,
तो मैंने इसकी छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए। तो इसके अलावा मैं एक और, तो इसके साथ ही ना क्या नाम है, अरूश मोहम्मद इतना ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं ना, जब भी वीडियो बनाती हूँ तो इतना शोर डालते हैं कि मतलब वीडियो में वॉइस, मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। वरना पहले मैं क्या करती होती थी, वीडियो बनाती थी, साथ साथ बोलती रहती थी, मुझे कोई मसला नहीं होता था। लेकिन जब से ये मोहम्मद जो है ना, इसने क्रॉलिंग शुरू की है ना, तब से इसने बहुत शोर डालना शुरू कर दी है। तो देखता है ना, जब भी मैंने मोबाइल उठाया है, कैमरा ऑन की है, तो इसके शोर शुरू हो जाता है। इसको ऐसा लगता है, पता चल जाता है कि मामा जो है ना वीडियो बना रही हैं। तो यहाँ पर प्याज टमाटर मैंने ऐड कर दिए थे। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने ना इसमें मसाला ऐड कर दिया था। ये जो बेक पार्लर वाले मैक्रोनी होते हैं ना, इनका अपना मसाला होता है और इसका टेस्ट इतना डिलीशियस होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा बेक पार्लर वालों का टिक्का मैक्रोनी। इसमें ना काफ़ी फ्लेवर्स होते हैं, समोसा मैक्रोनी होती है, इसके अलावा पता नहीं कौन कौन से इसमें होते हैं, टिक्का और अचारी गोश्त और पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे मोस्ट फेवरेट है ना मेरा, वो है टिक्का मैक्रोनी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम टिक्का मैक्रोनी खाए थे। तो उसके बाद मैंने और काफ़ी फ़्लेवर्स ला के चेक किए, लेकिन जो सा पहली दफ़ा जो खाओ ना, उसका जो टेस्ट होता है ना, वो और किसी में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें मसाला शसाला ऐड कर दिया था। मैं ना इसमें थोड़ी सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चियों से भी बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट हो जाता है। और आजकल तो सब्ज़ मिर्चियाँ होती भी इतनी मज़ेदार है ना, डिलीशियस किस्म की, कि आजकल का जो मौसम है ना, उसमें सब्ज़ मिर्ची इतनी तेज़ होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो सब्ज़ मिर्चों के पकोड़े भी बना रहे हैं, वो भी बड़े मज़े के होते हैं। वो कल बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैंने वो ला के रखी नहीं है कब से, हस्बैंड लेकर आए थे, उनकी फिलिंग वगैरह के लिए कुछ नहीं था। तो वो मैंने सोच रही थी उनकी फिलिंग बनाऊँगी, तो फिर जो है ना जाकर जो है ना वो फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मेरे मैक्रोनी बॉयल हो चुके थे, मैक्रोनी भी मैं इसमें ऐड करके तो अच्छी तरह से थोड़ी सी देर मिक्स कर दूँगी, और बस फिर मेरे मैक्रोनी रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा और मैंने क्या करना था, आज मैंने ना अफ्तारी भी तकसीम करनी थी। तो जिन जिन मतलब जिनके घर मैं जाती हूँ, या जिन जो मेरे जानने वाले हैं, बस मैं उन्हीं के घर, उनके घर जो है अफ्तारी तकसीम करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसन ले लिया। बेसन में मैंने टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी, और उसमें मैंने ना पानी थोड़ा सा ऐड करके, मेरे पास ना ब्रेड के पीसेस पड़े हुए थे, तो ये मैंने इस तरह से पेस्ट बनाकर ब्रेड के ऊपर लगा दिया। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है, ये इसको कहते हैं हम पिज़्ज़ा ब्रेड। तो पिज़्ज़ा ब्रेड आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा, ये बहुत मज़े की होती है। मेरी मम्मी जब हम लोग छोटे होते थे, हम लोगों को दिया करती थी। इसके अलावा ये समोसियाँ पड़ी हुई थी, मैंने बना के रखी हुई थी, मैंने कहा साथ में वो भी फ्राई कर लेती हूँ थोड़ी सी, और क्या नाम है, ये भी फ्राई कर लूँगी, ब्रेड के पीसेस भी फ्राई कर लूँगी। पकौड़े आज मैंने नहीं बनाए हैं, तो मैंने ना तवे में ऑयल थोड़ा सा डाल दिया तवे के ऊपर, और जो मेरे ब्रेड के पीसेस हैं ना, वो मैं तवे के ऊपर बनाऊँगी। वो मैंने पैन में नहीं बनाए, क्योंकि बड़े पीसेस हैं, तो मैंने कहा तवे पे बनाती हूँ, इससे अच्छे से बन जाएंगे। लो फ्लेम पे पकाने हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बड़े मज़े का, और इनका टेस्ट तो आउट क्लास था, बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह। इतना महंगा हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, वही घर पे ये ट्राई कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं, कि मज़े, बट सिंपल सा जो कि मैंने पिज़्ज़ा बनाया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो मैंने बनाए थे, मेरे पास ब्रेड के सिर्फ 3 पीस पड़े हुए थे, तो मैंने बस उन 3 पीसीस का ये पिज़्ज़ा ब्रेड बना दिया था। तो यहाँ पर मेरी जोन सी है ना, ब्रेड भी रेडी हो गई थी, समोसियाँ भी रेडी हो गई थी, मैक्रोनीस भी रेडी हो गई थी, और इसके अलावा मैंने जमीशी बनाई थी, और मैंने और कुछ भी नहीं बनाया, इतना ज़्यादा नहीं बनाया। तो ये दो तीन चीज़ें बनाने में भी मेरे 2.5 घंटे लग गए, आप यकीन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना अफ्तारी मैंने रेडी कर दी है देने के लिए। यहाँ पर फ्रूट कट कर लिया था, ये ब्रेड मैक्रोनी और ये खजूरें जो मेरी मम्मी ने भेजी थी, मैं इनका साथ में कुछ मीठा भी रख देती हूँ। तो ये चने अब मैं ऊपर उनको दे आती हूँ, मैं ये अपनी अफ्तारी तकसीम कर आती हूँ, और बस इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का बस आखिरी अशर है और कुछ रोज़े रह गए हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।